केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। इसराइल हमास युद्ध का असर देश दुनिया में अलग अलग स्तर पर देखने को मिल रहा है। व्यापार पर इसका सीधे तौर पर असर देखा जा सकता है। आयात निर्यात के लिए बनने वाली वस्तुओं पर रोक का संकट व्यापारियों को सताने लगा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी इससे प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों को नए ऑर्डर न मिलने, पुराने ऑर्डर के होल्ड होने का खतरा महसूस होने लगा है। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन को युद्ध का दायरा बढ़ने पर बड़े नुकसान की आशंका है। इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाने और नुकसान से बचाने की अपील की है। युद्ध के नुकसान दुनिया भर में कितने व्यापक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल पर हमास के हमले से भड़के युद्ध से संभल के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भारी नुकसान की आशंका पैदा होगी। एसोसिएशन ने अपील की कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा कर दुनिया समेत संभल के इस ODOP उद्योग को नुकसान से बचा ले। बता दें, संभल हैंडीक्राफ्ट उद्योग का ODOP माना जाता है। यहाँ पर सींग, चमड़ा, लकड़ी, हड्डी और शीशे से हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। युद्ध में दूसरे और देशों के भी शामिल होने पर बहुत बड़े नुकसान की भी आशंका है। हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ताहिर सलामी ने पीएम मोदी के प्रभाव को युद्ध रोकने में सक्षम होने का भरोसा जताया है। उन्होंने अपने प्रभाव से पीएम मोदी से दखल देकर युद्ध रुकवा कर दुनिया और संभल के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को नुकसान से बचवाने की अपील की है। संभल हैंडीक्राफ्ट उद्योग में बनने वाले लगभग आइटम विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ की करीब 5,000 फैक्ट्रियों में 25,000 लोग काम करते हैं। कारीगर आकर्षक ज्वेलरी, कटलरी, शो आइटम और फ्रेम समेत हजारों आइटम तैयार करते हैं। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल घरों, होटल्स और आदि में किया जाता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।